नाजिर साहब सलाम अलैकुम। खा लिया पी लिया सब कुछ हो गया? क्या खाया? अच्छा सुना कि कराची में कूड़े का बहुत बड़ा मसला है, क्या है मसला कूड़े का? तो लोग इतना कूड़ा क्यों फेंकते हैं? घरों से कौन लेके जाता है कूड़ा? घरों से कूड़ा इकट्ठा करके जमादार कहाँ ले जाता है? मगर फिर उन ड्रम से आगे कैसे जाता है कूड़ा? वहां कौन खाली करता है उस ड्रम को? आपको ये मालूम करके ताज्जुब होगा कि मैं आजकल जहां रह रहा हूं वहां पर घरों से कूड़ा नहीं उठाया जाता। ये छोटी सी जगह है और यहाँ पर घरों से कूड़ा उठाने का इंतजाम नहीं है, मगर उसके बावजूद आपको बाहर कहीं कूड़ा नजर नहीं आएगा। आप पूछें कि वो कैसे? यहाँ पर कूड़े का एक खास इंतजाम है और सब लोग उस हिसाब से चलते हैं। इस इंतजाम में पहली बात यह है कि जो गीला कूड़ा है यानी बावर्ची खाने का कूड़ा, यानी सब्जियों का बचा हुआ कूड़ा, पका हुआ खाना, फलों के छिलके, गोश्त की चर्बी या खराब गोश्त, सारा गीला कूड़ा आपको खुद ही तल्फ करना होता है। और लोग ये काम करते हैं कि पहले गीले कूड़े को जमा करते हैं बावर्ची खाने में और फिर उसको कच्ची जमीन में गड्ढा खोद कर वहां पर उस गीले कूड़े को डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और इस तरह वो वक्त के साथ गीला कूड़ा खाद बन जाता है। अब बचा सूखा कूड़ा, तो उसमें जो चीजें दोबारा से इस्तेमाल में आए वो दोबारा से इस्तेमाल में आती हैं यानी रिसाइकिल हो जाती हैं, मसलन कागज, प्लास्टिक, शीशे की बोतलें वगैरह। और उसके बाद फिर बहुत थोड़ा कूड़ा बचता है और उसको फेंकने के लिए एक जगह है, मगर वहां पर कूड़ा फेंकने की आपसे फीस ली जाती है। चुनांचे कोशिश होती है लोगों की कि वो ये पैसे ना दें और वो कूड़ा कम से कम करें। तो इस तरकीब से इस छोटे से कस्बे में कूड़ा उठाने का निजाम ना होने के बावजूद आपको बिल्कुल सफाई नजर आएगी।